नवोदय विद्यालय डिडोरी में छठी कक्षा के छात्रा का शव फांसी पर लटके मिलने और सोनभद्रा में आदिवासियों पर हुए नरसहारा के विरोध को लेकर गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन इंडियन के बैनर तले आज छात्र संगठन ने राष्ट्रपति के नाम पर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा, साथ ही सीबीआई जांच की मांग की। तो आदिवासियों के निर्मम हत्या हुई है और इसमें शासन और प्रशासन अभी तक अगर और किसी समुदाय का अगर इस तरह से नरसंहार होता तो शायद मीडिया भी इस चीज़ को बहुत अच्छे से उछालती, क्योंकि हमारे आदिवासी समाज के लोगों का 10 लोगों का उसमें निर्मम हत्या की गई एक जमीनी विवाद को लेकर के। साथ ही हमारे डिंडोरी ज़िले में एक नवोदय विद्यालय है, जो छठी क्लास की जो बच्ची है वो तो फांसी लगा नहीं सकती, उसको देख करके और उस फोटो को देख करके ये लगता है कि वो बच्ची अपने से वो फांसी नहीं लगा सकती, उसमें किसी न किसी प्रकार की षड्यंत्र है। तो हम शासन और प्रशासन और सरकार से मांग करते हैं कि इसकी सीबीआई जांच कराएं और वस्तु स्थिति को सामने रखें, ताकि उनके माँ बापों को परिवार वालों को वस्तु स्थिति का ज्ञान हो और हम लोग उस चीज़ से सहमत हों कि वास्तविकता है क्या। इसलिए मैं चाहता हूँ शासन और प्रशासन से कि उसकी सीबीआई जांच कराई जाए और जो आदिवासियों का जो हत्या हुई है सोनभद्र में उसकी भी जितने भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई करके उनको फांसी की सज़ा दी जाए।